तो दोस्तों ये है टनल, और टनल के साथ ये सिसु वैली है। ये सारी जो दिख रही है आपको यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये वैली सारी सिसु वैली है। और यहाँ पे टनल दिखाई दे रही है आपको सामने, और यहाँ पे कुछ लोग, बढ़िया टनल के पास का व्यू है ये देखिए सारा। और मैं हूँ आपका होस्ट दीक्षित, आपका स्वागत है इस चैनल में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपडेट फ्रॉम टनल सिसु एंड जो है सोलांग वैली। सोलांग वैली अभी जाती बार आपको दिखाऊंगा। सोलांग वैली अभी तो नहीं चल रहा है क्योंकि अभी सोलांग वैली में इतनी स्नो नहीं गिरी है। 8 तारीख के बाद ज़रूर स्नो गिरेगी और उसके बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये देख लीजिए, आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जूम करके। तो ये देखिए पार, इस तरह के लोग जो है आप टनल क्रॉस करके यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ देखिए लोग किस तरह यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और ये फ्रेश स्नो है। और यहाँ पर उतर के नदी के पास भी आ रहे हैं। ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए वैसे नदी के पास, क्योंकि डेंजरस हो सकता है, पाँव को फिसल जाए, कहीं नीचे गिर जाए। कुछ लोग देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ज़्यादा पास ना जाए नदी के, वही अच्छा रहेगा। बाकी फ्रेश स्नो देखिए यहाँ पे, बिल्कुल कितनी ताज़ा स्नो पड़ी है। और थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ तो आपको बेटर व्यू दिखाई देगा। तो ये देखिए स्नो से ढके हुए पहाड़, और 8 तारीख को भी दोबारा से जो है स्नो पड़ने वाली है। तो इस तरह का रहेगा व्यू। यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियों की, और उसके बाद जा सकते क्योंकि वहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है। तो इस तरह का यहाँ देखिए, थोड़ी बहुत स्नो तो यहाँ भी है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दिख रही है आपको स्नो। तो यहाँ पे भी आपका जो है थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं। देखिए इधर खाने पीने का पूरा समाधान है, यहाँ देखिए हिमालयन फूड वैन करके है। इधर देखिए जुले ये टी करके है फूड कॉर्नर, यहाँ पे बड़ी आपको व्यू भी मिलेगा। और अभी सूरज भी है तो आज थोड़ा सा धूप इतनी। तो ये देखिए इन वादियों से गुजरते हुए ये है सोलांग वैली, और यह है सोलांग वैली का व्यू। ये देखिए बिल्कुल, यहाँ देखिए यहाँ पे खाने पीने का भी समाधान है, और यहाँ पे फ्लाई भी हो रही है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग टाइप होती है। तो ये आपको रोप पे मिलेगी ऊपर के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए रोप पे हैं, ये आपका ग्राउंड है वैली का। और इस वक्त यहाँ स्नो नहीं पड़ी है, स्नो पड़ने का भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। और अगर आप सोलांग वैली को देखना चाहते हैं कि स्नो में कैसा दिखता है, तो मैं आपको वीडियो लिंक में डाल दूंगा स्नो वैली, स्नो की जो है सोलांग वैली की, जब स्नो रहती है सोलांग वैली में, तो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा। तो आप लिंक से देख लीजिएगा कि स्नो सोलांग वैली जो है स्नो में कैसे दिखाई देता है। और पिछले साल थोड़ा अलग व्यू था, अभी तो ये चीज़ नहीं बन गई है इधर। और यहाँ पर पार्किंग है आपकी घोड़े वगैरह, ये अंजनी महादेव मंदिर यहाँ पीछे, अंजनी महादेव की भी मैं वीडियो डाल दूंगा, अंजनी महादेव मंदिर किस तरह दिखाई देता है। तो ये है व्यू सोलांग वैली का। अभी स्नो तो नहीं है, स्नो अपनी ऊपर ऊपर है, इधर इधर ऊपर है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सोलांग वैली में स्नो आने को। तो ये है व्यू यहाँ पे, गाड़ियाँ यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ बुट्टे वगैरह ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये आपका रोप वे जा रहा है, ये ऊपर लेके जाता है आपको ऊपर, वहाँ पर इनका एक वो है कैफ़े टाइप, तो वहाँ पर आप लोग ऊपर भी जा सकते हैं रोप वे के थ्रू। तो ये है सोलांग वैली, देखिए यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये देखिए ये पैराग्लाइडिंग है इस वक्त यहाँ पे जो है, थोड़ी हवा का मिजाज थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मौसम अभी ख़राब है, हल्का सा बादल देख सकते हैं आप ऊपर। तो इस तरह का व्यू रहेगा सोलांग वैली का। तो ये है सोलांग वैली आपके लिए। धूप अभी, आज मौसम थोड़ा सा बन रहा है, अब थोड़ा बारिश बर्फ का मौसम बन रहा है, और जैसी बारिश होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आइए 8 तारीख के बाद, और अभी विज़िट कीजिए, अभी भी अच्छा है, रोड खाली है, कोई जो है ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। सुबह के टाइम 7-8 बजे 9 बजे तक निकलिए, 10 बजे तक कोई बात नहीं है। 8 तारीख के बाद की अपडेट मैं डाल दूंगा नेक्स्ट की क्या अपडेट रहेगी। तो ये रहेगा आज की वीडियो में, और मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।